हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये दोपहर जो अपनी 12 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी और अन्य जितने भी जनरल साइंस के एग्जाम होते हैं, जहां भी जनरल साइंस आती है उसके लिए आज का जो हमारा क्लासेस होगी वो होगी बच्चा, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम्स। कल तक हमने एक क्लासिफिकेशन नाम की चीज ढूंढी थी कि जितनी भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्लासिफाई करने का आइडिया देखा। और क्लासिफाई हम किसके बेसिस पे करते हैं, हमने सेवन रैंक सिस्टम अपनाया है। कौन सा रैंक सिस्टम अपनाया है? सेवन रैंक सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि सबसे ऊपर होती थी किंगडम, कि हम ही सब लोग किसी एक किंगडम का हिस्सा हो सकते हैं, हम एनिमल हो सकते हैं या हम प्लांट हो सकते हैं। किंगडम के बाद में हमारे पास होता था फाइलम, फाइलम जूलॉजी में फाइलम बोलते हैं, और जो बॉटनी होती है प्लांट होते हैं उसे हम उसको डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास होती थी क्लास, उसके बाद में हमारे पास होता था ऑर्डर, उसके बाद हमारे पास होता था फैमिली, फैमिली के हमारे पास होती थी जीन्स, और जीन्स के बाद होती थी हमारे पास स्पीसीज। भाई यही तो हम सात रैंक अपनाते थे, चार तीन सात, इसी के बेसिस पे तो हम लोग डिवाइड करते थे। ठीक है, हमने देखा अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो हमने एक तरीका अपनाया था के पी सी ओ एफ जी एस, इस तरीके की भी हम याद कर सकते थे। इसमें जो स्पीशीज होती थी इसे हम जाति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जाति। ये सबसे छोटी या क्या कहें स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी किसकी? क्लासिफिकेशन की। और ये जो सबसे किंगडम जो है, जगत जो है, ये सबसे बड़ी यूनिट होती थी। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे की बातें। अब हमने देखा कि भैया इसी के बेसिस पे हमने हर एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे मान लो कि आप वेस्टर्न घाट में घूमने गए, जल्दी खत्म हो जाएगी, आप मान लो वेस्टर्न घाट घूमने गए कर्नाटक, और आपने वहां पे किसी एक नई प्रजाति की खोज की या आपने वहां पे किसी नए मेंढक की खोज की, मेरी बात समझिएगा, आपने वहां पे किसकी खोज की? किसी नए मेंढक की खोज की। तो जब आपने उस मेंढक की खोज की, जब आपने कोई फ्रॉग ढूंढा, तो आपको उसको क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई, उसका नामकरण भी करना होगा। तो जब हम किसी प्रजाति का नामकरण करते हैं, जब भी हम किसी स्पीशीज का नामकरण करते हैं बेटा, पेपर लीक की जो बातें हैं ना, वो कुछ जगह क्या है कि पेपर को दोबारा, जो सुबह वाला पेपर था वो शाम में बांट दिया गया है, वो सब मैं आपको समझा दूंगा। अभी मैं ये क्लास ले लूं, मैं उसकी क्लास भी लेकर आने वाला हूं। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश जारी है, आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने कुछ बहुत सारी ऑडियो क्लिप भी लेकर मंगाई है, बहुत सारी और भी चीजें। तो अभी हम यूपीपी के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, अब आपने कोई फ्रॉग की प्रजाति ढूंढी, आपको इसका नामकरण करना है, तो जो इंटरनेशनल नामकरण करने का प्रोसेस अपनाया जाता है, तरीका अपनाया जाता है, उसे कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यही बोलते हैं ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह लो इसको, या क्या कह सकते हैं, द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति, कि किसी भी प्रजाति का दो नाम होते हैं, उसको हम किससे शो करते हैं? दो नाम से। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग को क्या होता है? राना टिग्रीना। फ्रॉग का क्या नाम होता है बच्चा? राना टिग्रीना। इसमें जो पहला नाम बताता है ये फ्रॉग के वंश के बारे में बताता है। क्या बताता है? फ्रॉग का वंश। वंश मतलब फ्रॉग की जीन्स क्या है, फ्रॉग किस जीन्स का है। फिर आगे बताता है टिग्रीना। टिग्रीना मतलब उस वंश में भी उसकी जाति क्या है, उस वंश में भी उसकी जाति क्या है। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ये कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, कैरोलस लिनियस, जो कि किस देश के रहने वाले थे ये आप बताइए। तो राना टिग्रीना मतलब दो नाम हो गए ना वंश और जाति के हिसाब से, एक तो जीन्स का नाम हो गया, एक जाति का नाम हो गया, इसलिए हम इस पद्धति को क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए शाबाश, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स जानते हैं, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। 35 नेम्स हैं तो जल्दी जल्दी लिखिएगा, ट्राई टू नोट डाउन फास्ट। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य, ह्यूमन। तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? हमारी जाति का नाम है होमो। हमारी जाति का नाम क्या है? होमो। और हमारी मतलब सॉरी वंश का नाम है होमो, और हमारी जाति का नाम है सेपियंस। एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए,
एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये जो पहला पहले नाम का जो पहला अल्फाबेट होता है ये कैपिटल होता है, दूसरे नाम का जो पहला अल्फाबेट होता है ये स्मॉल स्मॉल होता है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। होमो सेपियंस, होमो हमारी वंश है, सेपियंस माने मॉडर्न मानव, हमारी जाति है। इसको कैसे याद कर लोगे? हम हैं सपेरे। कैसे याद कर लोगे? हम हैं सपेरे। तो जो सपेरा होता है, सेप है ना, सपेरा, सपेरा कौन होता है? मनुष्य तो होता है, होमो सपेरा, हम हैं सपेरे, याद हो जाएगा ना, हम हैं सपेरे, होमो सेपियंस, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, सेकंड आ जाता है मेंढक। मेंढक मतलब फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग का क्या होता है? राना, टिगरीना, टिगरीना, ठीक है। तो इसका कैसे कर लोगे? राना टिगरीना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इंग्लिश में ये छोटे स्मॉल में ही, राना टिगरीना, समझ रहे ना, नागिन वाला सपेना, हम है सपेरा, तो राना टिगरीना, इसको कैसे कर लोगे? रहना, ठीक है ना, रहना, और टिग टिग टर टर कुछ ऐसे बोलता है ना, टी आई आर टर 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 कुछ ऐसी आवाज आ रही है ना, सोचो भाई, राना रहना ट्र ट्र करके, जो मेंढक होता है वो कैसे रहता है? रहना ट्र ट्र करके, ट्र ट्र करके तो रहता है जहां भी रहता है, तो वहां से आप याद कर लोगे फ्रॉग रहना ट्र ट्र करके, राना टिगरीना, छोटी ना छोटी सी दिमाग में लगा लोगे हमेशा के लिए याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली माने कैट, कैट, कैट का क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। तो देखो डोमेस्टिक माने होता है घरेलू, घरेलू, और देखो फेलिस माने फैला दिया। एक बात याद करो, फैला दिया कौन सी चीज? ये जो बिल्ली होती है दूध फैला देती है ना, फैला दिया घरेलू दूध, कैसे याद करोगे? फैला दिया घरेलू दूध, फेलिस डोमेस्टिका, फैला दिया मतलब फेलिस डोमेस्टिका मतलब घरेलू दूध, दूध घर में फैला देती है ना कई बार मक्खी, कई बार मक्खी दूध फैला देती है, मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, कल क्या हुआ कि मैंने दूध नहीं पिया सुबह वाला, शाम तक दूध फट गया, भाई मम्मी डंडा लेके पीछे पड़ गई, दीवार कूद के भागना पड़ा, चोट लगी हुई थी पैर में और ज्यादा लग गई। तो वहीं से याद कर लेना, बिल्ली ने दूध फैला दिया, वो तो कल मैंने फैलाया था। मम्मी लोग जब दूध खराब हो जाता है ना तो ऐसा सोच लो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें, मम्मी आप में से भी किसी ने ये सब किया होगा ना, डंडा लेके पीछे पड़ गई, बताओ इतना बड़ा होने के बावजूद भी। कल क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ता, क्या क्या? कुत्ता, डॉग, डॉग, कुत्ता, जैसे हमारा सुल्तान, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या जाएगा? इसका आ जाएगा कैनिस फेमिलेरिस, फेमिलेरिस, तो इसको याद हो जाएगा फैमिली, भाई हमारे घरेलू कुत्ते होते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा होता है, जो कुत्ता होता है वो हमारे, हाँ बेटा सब डाल दूंगा मैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे कैसे बताऊं मैं। और कैनिस, इसको कैसे याद करोगे? कैन, कैन में फूड खाता है ना भाई, जो आप खाते हो, जो कैन सा छोटा सा कैन का डब्बा होता है, या फूड कैन लेके आते हो आप अपनी अपने कुत्ते के लिए, एक कैन होती है ना फूड की, तो वहीं से आप याद कर सकते हो कैनिस फेमिलेरिस, तो कैन में वो फूड लेके आते हैं, तो वो उसे कुत्ता खाता है, जैसे कि इसका जो होता है वो पेडिग्री टाइप, तो पेडिग्री की क्या होती है? कैन होती है, तो वहां से याद रख लोगे कैनिस फेमिलेरिस, कैन में कुत्ता। और देखो इसके जो दांत होते हैं ना ऐसे निकले रहते हैं, तो जो दांतों से भी कैनिस का कुछ याद रख सकते हो आप, ओके। चलिए शाबाश, नेक्स्ट, ये तीनों याद हो गए, चारों याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होमो सेपियंस, राना टिगरीना, रहना त्रिदिल में, रहना ट्रिटन, फेलिस डोमेस्टिका, फैला दिया घरेलू दूध, कैन, अच्छा बोले यार कैनिस यार, अच्छा फैमिली में रहता है, कैन में फूड खाता है, शाबाश, बहुत अच्छे। चार हो गए, इसी तरह ऐसे ऐसे छोटे 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 35 कर दें आपको 35। क्वेश्चन नंबर आ जाता है बच्चा 5 है आपका, इसमें गाय, गाय, गाय के ऊपर आजकल आपको दिख रहा है गाय माता, तो वहीं से आप याद रखिएगा काव, तो आजकल गाय हुई है बोस, आजकल गाय क्या हो गई? बॉस हो गई है ना, जय गौ माता, और इंडिकस, बॉस इंडिकस, इंडिकस, तो गाय क्या हो गई है? बॉस हो गई है। आपने बहुत पहले एक वो आया था, वीडियो आया था बहुत पहले, उसमें क्या होता है, चाइनीज होता है वो गाय से लड़ रहा होता है, उसको दूध निकालता है गाय को ऐसे ऐसे करके, तो क्या है? गाय है बॉस, आजकल देख रहे हो ना गाय के ऊपर। ठीक है, वहीं से क्या हो जाएगा बेटा, जाना मत, थोड़ी थोड़ी आएगी ना बफरिंग, तो परेशान मत होना, मुझे पता है, वहां से क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस,
इंडिया का बॉस कैसे याद करोगे, इंडिया की बॉस गाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मक्खी, मक्खी हाउस फ्लाई, मक्खी हाउस फ्लाई कैसे याद करोगे, मस्का डोमेस्टिका कैसे, देखो कितना इजी है याद करना, मस्का डोमेस्टिका। तो बेटे यहां और मक्खन, मक्खन पे क्या बैठती है, मैं से मक्खन और मैं से मक्खी, देखो कैसे याद करोगे। अगर आप लोग मान लो कि मुझे कुछ अच्छी अच्छी बात कहोगे तो मैं क्या कहूंगा, बेटा मस्का मत लगाओ, मस्का मत लगाओ, तो मस्का मतलब मक्खन मत लगाओ, मुझे मक्खन मत लगाओ, सब्र रखो बेटा, सब्र, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, सब्र रखो, देखते रहो जितना भी हो रहा है, मेरी बात तो सुनो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मस्का मत लगाओ, मक्खन मत लगाओ, मक्खी, मक्खन से कहीं क्या याद कर लोगे, मक्खी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मक्खन मत लगाओ मुझे, मक्खी मत लगाओ, वहां से याद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना अमित, लैंग्वेज को सही करो, बदतमीजी मत कीजिए बेटा। इधर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 अरे कितने लोग आपको अभी भी परेशानी हो रही है भाई, थोड़ा थोड़ा कर लो, मुझे पता है फंस रही है, मैं सब जान रहा हूं, पर थोड़ा सा कर लीजिए, आया गया आया, कोई बात नहीं। कैसे करो बच्चा, एक सेकंड रुकना, ठीक है ओके। चलिए मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका, तो इंडिका से तो आप तुरंत समझ जाओगे भारत में मैंगो की कितनी ज्यादा डिमांड होती है, इंडिका। मैंगो फेरा, मैंगी फेरा, जैसे मांगे कहते ना मांगे, तो इसको ऐसे लिखोगे ना, अगर इसको MANGI को बोलोगे तो क्या लगेगा, मांगे, मांगे इंडिया, मांगे इंडिया मोर, क्या मांगता है इंडिया मोर, मैंगो। इंडिया क्या ज्यादा मांगता है, मैंगो ज्यादा मांगता है, क्योंकि इंडिया में मैंगो फेरा, मैंगी फेरा की बहुत डिमांड रहती है ना आम की, तो MANGI FERA, यहाँ पे आपको FORA मिल सकता है, तो आप ये मैंगी फेरा बार बार फेरा, ठीक है ना, वहां से क्या जाएगा, मांगे इंडिया मोर। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा धुंधला धुंधला दिख रहा है क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा साथ दे दो प्लीज। ठीक है नेक्स्ट आ जाता है 8, धान, धान, धान माने राइस, राइस, धान माने राइस, चावल, तो चावल का हो जाता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, का राइस का आ जाता है ओराइजा सटाइवा, देखो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब धान, मतलब अगर आपके सामने हो क्या मटर प्लांट देख के आपका सलाइवा, आपकी राल आ जाएगी, देखो मेरी बात। ठीक है भैया मत आप योगेश, मुझे परेशानी है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आप योगेंद्र यादव आप रह सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपलोड करने में 2-3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं, अपलोड हो ही नहीं रही, मैंने देखी है। तो इसमें क्या करा मैंने कि सटाइवा माने सलाइवा, सलाइवा माने जो हमारे, प्रॉब्लम आ रही है, क्या बताऊं मैं कैसे कहूं, यहां से तो आपको क्लियर हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, आपको सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक से चीजों को याद रखना है। ठीक है ना सुमित, आप आके पढ़ा लो, इतने होशियार हो तो आप ही बनो, कैरोलस लीनियस है कि उससे भी ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं,
गेहूं, वीट, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, जैसे वीट माने क्या होता है गेहूं, तो वहां से आप क्या करोगे ट्रीटी, ये ट्रीटी है ना TRETY। तो जब हमारे यहाँ पे 1965-66 में मतलब गेहूं की कमी हो गई थी, तो हमने गेहूं के लिए किससे ट्रीटी की थी, यूएसए अमेरिका से हमने एक समझौता किया था, अमेरिका से हमारे यहाँ पे क्या आया था वीट गेहूं आया था, ट्रीटी कम, ट्रीटी मतलब हमारे पास गेहूं पड़ गया था कम। देखो कैसे आप करोगे, हमारे पास गेहूं क्या पड़ गया था कम, तो हमने अमेरिका से ट्रीटी की समझौता किया और तब हमारे पास क्या आया गेहूं आया, तो ट्रीटी कम एस्टाइवम। एस्टाइवम से कैसे याद कर सकते हो कि एस्टाइवम मतलब इसको पूरे को फिर एक बार अगर याद हो गया कि ट्रीटी, ट्रीटी माने किसी के साथ हमारे साथ समझौता हुआ है, तो वहीं से आप दिमाग लग लोगे कि भैया ट्रीटी कम एस्टाइवम कम हो गया, फिर हमारे यहां पर गेहूं बाहर से आना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। मटर, मटर पी, ये बहुत पूछा जाता है मटर का पी, इसका होता है पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। एक सेकेंड, मैं नेट ऑफ करके दोबारा चलाता हूं, ठीक है ना, मैं नेट ऑफ कर, ठीक है अब, ठीक है अब, ठीक है एयरटेल ये बच्चा, ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अब भी ठीक नहीं है, कैसे करूं भैया, मैं जियो वियो सब करा लिया, ठीक है तो इसको कैसे करोगे ट्रीटी एश, और फिर जब ट्रीटी होगी हमारी यूएसए के साथ तो गेहूं आ गया तो हमारी एश होगी, तो एस्टाइवम सटाइवम। मटर पाई, तो देखो पी पाई ये दोनों नाम सेम सेम है ना, पाइसम सटाइवम, तो यहां से याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जो मटर होता है मटर सटाइवम, पाइजम सटाइवम या पाई सती कुछ इस तरह से करके आप कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट आ जाता है, लोगे पाइजम सटाइवम बहुत पूछा जाता है, पाई सती कुछ यहां से याद कर लेना, मटर ने सती पाई कुछ इस तरह से करके पाइजम सटाइवम, थोड़ा थोड़ा एक दिमाग में एक आइडिया लग जाए तो फिर आप बता दोगे आराम से, ठीक है फिर आप आराम से बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, चना, चना, चना माने ग्राम, चना तो चने का होता है साइसर अराइटिनम, साइसर अराइटिनम, साइसर अराइटिनम, कैसे याद करोगे सॉस, चने होते हैं ना चना जोर गरम याद होता था ना, गाना भी आता था तो उसे सॉस के साथ खाते हैं, सॉस होती है ना साइसर सॉस और अराइटिनम, अराइटिनम, तो चना से क्या समझ लेना, चना ग्राम, ग्राम को किसके साथ खाते हैं सॉस के साथ, ठीक है साइसर अराइटिनम। बेटा गांव में आता नहीं है कुछ भी करके, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, साइसर अराइटिनम, अराइटिनम, तो इसे याद कर लेना आर्टरी, तो चने होते हैं छोटे छोटे, चने बहुत छोटे होते हैं, तो इसी तरह से क्या होता है आर्टरी जो हमारा ब्लड लेके जाती है वहीं से भी क्या होता है वो भी छोटा छोटा, या समझ लेना कि चना खाने से क्या होता है थोड़ा सा जो दौड़ते दौड़ने वाले लोग होते हैं उनकी आर्टरी से ब्लड बहुत अच्छे से जाता है, चना खाते हैं वो लोग सॉस के साथ, सॉस चाय चने का क्या हो जाएगा ग्राम का साइसर अराइटिनम। बेटा क्लास 5 थी जिसमें हमने टेस्ट लिया था इसलिए वो आपको नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12, सरसों, 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 मस्टर्ड, सरसों का क्या हो जाएगा मस्टर्ड, तो इसका हो जाएगा ब्रैसिका, सरसों का क्या हो जाएगा ब्रैसिका, BRASICA और कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ब्रैसिका जैसे किसी तेल की ब्रांड आती है ना ब्रैसिका ब्रांड, फॉर्चून तेल इस तरीके से आता है ना ब्रैसिका, और कैम्पेस्ट तो जो सरसों की खेती होती है उस पर पेस्ट लग जाती है ना, पेस्ट आ जाती है कम पेस्ट,
तो वहीं से समझ लेना यार, जो सरसों के खेत होते हैं उनमें कंपोस्ट डाला जाता है ना, तो वहीं से याद कर लोगे कंपोस्ट्रिस, ब्रेसिका और ब्रास, ब्रास माने पीतल के, पीतल के बर्तन में क्या रखा जाता है, तेल, तो वहां से आप याद कर सकते हो। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन होते हैं, वहीं से क्या जाएगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, पीतल का तेल, पीतल के बर्तन में तेल, ब्रास और कैम्पेस्ट्रिस कंपोस्ट खेत में डलता है सरसों के, तो वहां से थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, वहां से थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया चाहिए, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना याद करने वाली, इनके नाम अजीब अजीब से हो जाते हैं, तो अगर आप चार से पांच बार इनको इस तरह से पढ़ लोगे तो एक तरीके का आइडिया लग जाएगा। यार अनु बच्चा मैं आपसे क्या बोलूं, आप कह रहे हो कमेंट देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा होगा आपको, अरे ऑफलाइन यहां से अपलोड नहीं होते, मैं आपको कैसे बताऊं, कैम्पेस्ट्रिस CAMPESTRIS BRASSICA। अब आप बहुत अच्छे अच्छे सोच रहे हो, सोचते हो हद्दी कर रखी यार आप लोग, तो बड़े अच्छे हो भाई। तेंदुआ, तेंदुआ आप डेली अखबार में पढ़ते होगे कि उस गांव में तेंदुआ देखा गया, इसे कहते हैं लेपर्ड, तेंदुआ मतलब लेपर्ड, अब बार बार आता है गांव में तेंदुआ देखा गया, तेंदुआ देखा गया, तो तेंदुआ का होता है पेंथेरा पार्डस, किस तरह से याद करोगे, ये जितनी भी ये तेंदुआ हुआ, चीता हुआ, टाइगर हुआ, शेर हुआ, इन सब ने पेंथेरा पार्डस, इनकी जो जाति होती है वो क्या होती है, पेंथेरा, जैसे टाइगर का पढ़ोगे तो पेंथेरा टिग्रिस लग जाएगा, इनका वंश एक जैसा होता है, इनकी जीन्स क्या होती है, एक जैसी होती है, तो पेंथेरा पार्डस, पेंथेरा पार्डस। तो देखो जब आपके यहाँ पे पेंथेरा आ जाए तो उसको पार्डन कर दो, जब आपके यहाँ पे क्या जाए तेंदुआ आ जाए तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, पार्डन कर देना चाहिए, पार्डन का मतलब क्या होता है बच्चा, उसे माफ कर देना चाहिए, कर देना चाहिए ना, तो लेपर्ड का क्या हो जाएगा, पेंथेरा PANTHERA PARDUS पार्डस, मतलब उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो, अगर उसे माफ कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ ठीक है ना, तो इसकी क्या होती है प्रजाति, वंश सेम होता है लेकिन इनकी जाति क्या होती है अलग, तो उसको पार्डस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं बता दूंगा यूपीपी की अलग से क्लास ले रहा हूं आज में, अभी आप टेंशन मत लो कि क्या होना है, अभी इसका पूरा होने दो। क्वेश्चन नंबर 14, चीता, चीता, चीता माने टाइगर, चीता माने क्या होता है टाइगर, ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाता है पेंथेरा टिग्रिस, सेम वंश है, सेम जीन्स है, पेंथेरा टिग्रिस। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपको तीन दे देगा, जैसे लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, और एक दे देगा कैट, पूछेगा इसमें से किसका है, ठीक है ना, मतलब इसमें से पूछ लेगा कौन सी की वंश जो है सेम है, किसका जीन्स सेम है, तो आपको पता है कि जो तेंदुआ, टाइगर और जो शेर होता है इन सब में पेंथेरा पेंथेरा लगता है, तो इनका वंश सेम है, कैट का वंश अलग है, ठीक है, गुड, पेंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट आ जाता है सेम, नेक्स्ट आ जाता है सेम, सेम माने एप्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम का हो जाता है पाइनस मेलस, पायरस मेरस, क्या हो जाता है इसका, पायरस मेरस, कैसे, पायरस जिसके अंदर खूब सारा रस हो, तो एप्पल के अंदर प्यारा प्यारा रस होता है ना, एप्पी फिज पीते हो आप लोग, तो एप्पी फिज इसीलिए तो पीते हो क्योंकि उसके अंदर रस होता है, बढ़िया होता है, और मेरस कि अगर आप सेब को काट कर रख दोगे कुछ देर तो सेब क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, सेब मैला हो जाएगा, याद है ना बच्चा, क्या करोगे उसका, कि अगर आप लोग सेब को काट के रख दोगे तो सेब कैसा हो जाएगा, सेब कैसा हो जाएगा, मेला, तो पायरस मेलस, तो वहीं से याद कर लीजिए, अच्छा मेला हो गया, ठीक है, सेब को काट के रखेंगे तभी तो मेला होगा, उसके अंदर रस होता है, पायरस मेलस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, नींबू, ये तो बहुत इजी होते हैं क्योंकि नींबू वगैरह क्या होते हैं, लेमन, इन ये साइट्रस होते हैं, खट्टे होते हैं, तो इनकी स्टार्टिंग वही से होती है, साइट्रस लिमोनिया, तो इसको तो कोई याद करने में अजीब ही नहीं है, लेमन, इंग्लिश का लेमन का ही क्या कर दिया, लिमोनिया, लेमन का ही क्या कर दिया इन्होंने, लिमोनिया, तो साइट्रस, साइट्रस क्यों, क्योंकि ये खट्टा होता है, और लिमोनिया, लिमोनिया, तो लेमन का क्या बना दिया, लिमोनिया, तो तुरंत बता दोगे साइट्रस लिमोनिया, साइट्रस
लिमोनिया। क्लियर हो जाएगा ना, तुरंत के तुरंत बता दोगे साइट्रस लिमोनिया। साइट्रस लिमोनिया। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा 70, यहीं पे लिख देता हूं। अनानास, तो ये भी बहुत इजी है, अनानास पाइन एप्पल, एप्पल के साथ क्या जाएगा पाइन एप्पल, बहुत इजी है। एनानस सटाइवस, तो इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, एनानस सटाइवस, सटाइवस। तो देखो जिससे देखने से अनानस, तो इसका क्या बनना है अनानस, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे इसको तो क्या बनेगा अनानस सटाइवस, सलाइवा जिसको देखने पे लार टपकने लगे, तो वहीं से आपका आंसर बन जाएगा एनानस सटाइवस, अनानास। तो देखो इसके नाम में है अनानस, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बता दोगे आप, ठीक है ना। ठीक है शाबाश, अनानस सटाइवस, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइट्रस लिमोनिया कुछ के तो नाम नहीं, सब कुछ था, कुछ एक्स्ट्रा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है, नारियल, 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 कोकोनट, नारियल माने कोकोनट, तो कोकोनट का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोकोस न्यूसीफेरा, कितना अच्छा है, कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा, क्या करोगे इसका कोकोस न्यूसीफेरा। तो देखो कोकोनट, कोकोनट नाम में पता चल गया ना, कोकोनट और न्यूसीफेरा, इसको याद कर लेना कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है ना। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अच्छी बात है, आपस में बात करो, क्योंकि याद तो जाएगी नहीं, फिर पेपर में अच्छे नंबर नहीं आते कि सर मेरे से ये हो गया, सर मेरे से वो हो गया, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोकोस न्यूसीफेरा, भाई आरंभिक तक तो मुझे सब करना ही है, टेंशन मत लो। 19, खीरा, खीरा कुकुम्बर, 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 तो वहीं से इसका नाम आया है खीरे का, कुकुम्बर बोलते हैं, कोकस न्यूसीफेरा, तो यहीं से इसका नाम आ गया कुकुमस, कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस सटाइवस, कुकुमस सटाइवस। यूपी पुलिस का बताऊंगा अभी नहीं, समझ रहे हो ना, कुकू देखो कुकुम्बर, यहीं से आ गया कोको, तो कोकोनट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोकोनट से आ गया कुकू, तो क्या आ जाएगा कुकुम्बर, कुकुम्बर सटाइवस, कुकुम्बर सटाइवस, ओके, कुकुम्बर सटाइवस, शाबाश। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 20 वाला, संतरा, संतरा, संतरा ऑरेंज, भाई देखो साइट्रस होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टार्टिंग किससे होगी इसकी, साइट्रस से होगी, CITRUS साइट्रस, और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा ऑरेंटियम, ऑरेंटियम, तो देखो साइट्रस से तो आप याद कर लोगे, क्योंकि खीरा होता है वो, सॉरी खीरा कह रहा हूं, ये खट्टा होता है, और देखो संतरा नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर है ना वो फेमस है, तो औरंगाबाद, औरंगाबाद नागपुर के पास है ना महाराष्ट्र में, से याद कर लो कि औरंगाबाद किसके पास है, महाराष्ट्र में नागपुर के पास, और नागपुर किस लिए फेमस है साथियों, नागपुर फेमस है संतरों के लिए, तो वहीं से याद कर लोगे साइट्रस ओरेंटियम, औरंगाबाद ओरेंटियम, ठीक है ना, क्योंकि मिस सटाइवस खीरा हो गया, कुकुम्बर संतरा ऑरेंज, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, तो वहां पे खीरा के लिए कुकुम्बर लिखा होगा, आपके इसमें भी सलाइवा, फिर आपका राल आ जाए खीरे को देख के, तो वहां से आप याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 21, शहतूत, इसको है अमरूद, अमरूद कर लेते, अमरूद, अमरूद गुआवा, अमरूद गुआवा, तो अमरूद क्या हो जाएगा साइडम गुआवा, इसमें पी जो है वो साइलेंट है, साइडम गुआवा, जी यू ए वी ए, जी यू ए वी ए, गुआवा, समझ रहे हैं ना, साइडम गुआवा, तो देखो गुआवा माने ये तो आप याद कर लोगे, गुआवा अमरूद को भी कहते हैं, इसमें भी है, और रोड की साइड में लगे रहते हैं ना गुआवा के ठेले, भाई जो रोड होती है जब आप रोड पे जाते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, जो
जो रोड की साइड में ठेले लगे रहते हैं ना अमरूद बेचने वाले, तो वहीं से याद आ जाएगा साइडम गुआवा। नेक्स्ट आ जाता है कमल। नेक्स्ट क्या आ जाता है कमल। कमल माने लोटस। कमल मतलब लोटस। तो कमल का हो जाएगा नीलम्बो न्यूसीफेरा। हमारा राष्ट्रीय फूल भी है ना नीलम्बो न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा। नीलम्बो न्यूसीफेरा। तो नीला अंबर वहां से आप क्या कर लोगे नीलम्बो मतलब नीला अंबर, नीला आकाश। लोटस भाई जो फूल होता है वो आकाश के नीचे खड़ा रहता है, दलदल में पानी का रंग कैसा होता है नीला, पानी में होता है ना, तो नीलम्बो न्यूसीफेरा। कमल पानी में होता है और पानी देखने में कैसा लगता है नीला, तो नीलम्बो न्यूसीफेरा। हमारा नेशनल फ्लावर भी है कमल लोटस, नीला अंबर। तो वहीं से याद कर लीजिएगा अच्छा नीला होता है पानी में उगता है कमल, नीलम्बो न्यूसीफेरा लोटस। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया चाहिए और थोड़े थोड़े आइडिया से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पेरिस। तंबाकू। नेक्स्ट क्या आ जाता है तंबाकू। ठीक है तंबाकू टुबैको। टुबैको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टुबैको भी आपका, तो टुबैको हो जाता है निकोटीना टुबेकम। निकोटीना निकोटीना टुबेकम। निकोटीना टुबेकम कैसे याद करोगे इसको, तो निकोटीन होता है भाई जो आपका तंबाकू होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है ना सिगरेट वगैरह में, जो तंबाकू या कहीं भी निकोटीन पाया जाता है, और टुबेकम तो इसके नाम ही है, तो वहां से क्या आ जाएगा ठीक है ना, फिर भी याद आ जाएगा ना, तो हम तंबाकू जो खाते हैं निकोटीन होता है टुबेकम। निकोटीन टुबेकम वहां से थोड़ा सा याद कर लीजिए निकोटीन टुबेकम। क्वेश्चन नंबर 24 शेर। शेर माने लायन, आप जैसे शेर होना सब लोग ऐसे लायन। पैंथेरा पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो तो लियो माने सिंह। लियो राशि भी होती है ना, लियो हमारी एक राशि भी होती है सिंह राशि बोलते हैं जिसे, तो वहीं से आपके लिए ना शेर, शेर के लिए सिंह राशि लियो, और पैंथेरा उसकी जींस होती है। पैंथेरा क्या होती है बच्चा, उसकी जींस होती है, सिंह राशि होती है लियो। नेक्स्ट आ जाता है टमाटर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा टमाटर माने टोमेटो। टमाटर माने टोमेटो, तो इसका हो जाता है सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम कैसे याद करोगे टमाटर को, सोले नंबर, सोले नंबर पे क्या रखा हुआ है टमाटर। जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हो तो उसमें कई सारे नंबर पड़े हुए सब्जी पे, सोले नंबर या 16 रुपए किलो याद कर लो, 16 रुपए किलो है क्या टमाटर, इस तरह से याद कर लो। और आपका सम, समाने जितनी भी आपने इकट्ठा करके पैसे दिए उसे, वो कितने बैठे 16 रुपए। नंबरों में सम करके जब आपने टमाटर खरीदे तो आपको कितने रुपए देने पड़े 16 रुपए, वहां से याद कर लो सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम हाँ ट्यूबरसम ठीक है टमाटर। और सोले ऐसे याद कर लो, सोले पिक्चर थी ना टमाटर के ऊपर, गब्बर बहुत परेशान था टमाटर लेने के लिए इसीलिए उसने लड़ाई की थी, कुछ ऐसे याद कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट मोर, जो हमारे नेशनल ये सिंबल्स होते हैं इनका तो बहुत ही पूछा जाता है, पिकॉक ठीक है। मोर का क्या हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस पावो पी ए वी ओ क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस तो बहुत ही जी है, बहुत ही जी है पावो क्रिस्टेटस। कोई बात नहीं बेटा उसको बोलने दो, भौंकने दो उन्हें ठीक है। पावो, पावो का क्या होता है पावन। मोर हमारे लिए पावन होता है, पता है क्यों होता है मोर हमारे लिए पावन होता है, क्यों होता है क्योंकि मोर कृष्ण जी से समझा जाता है। क्रिस्ट, क्रिस्ट भगवान जी भी हमारे लिए क्या थे पावन थे ना, तो वही से याद कर लोगे क्योंकि देखो क्रिश्चियन जो क्रिस्ट जी थे वो भी तो भगवान थे। क्रिश्चियन क्रिश्चियन कृष्ण जी, यहां से कृष्ण जी नाम आ सकता है ना क्रिस्ट। अगर क्रिस्ट को मैं थोड़ा सा तद्भव रूप दे दूं तो वो क्या बन जाएगा क्रिस्ट, कृष्ण जी। और कृष्ण जी पावन, उनका वाहन क्या था पिकॉक, वहां से याद कर लोगे पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस
ठीक है ना। वेरी गुड, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है, पावो क्रिस्टेटस। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 27, गंगा डॉल्फिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेंगिस डॉल्फिन, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, गेंगिस डॉल्फिन, जो गंगा जी में डॉल्फिन पाई जाती है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, उसके बारे में भी हमें पता चलना पड़ेगा, ठीक है ना। गंगा डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन का होता है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, प्लैटिनिस्टा, प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, गैंगेटिका, देखो गंगा जी में पाई जाती है, वहां से याद कर लोगे गैंगेटिका। बेटा पुलिस के बारे में बताऊंगा, प्लैटिनिस्टा आजकल क्या बना दिया है कि डॉल्फिन को मार के प्लेट का नाश्ता बना दिया है, क्या बना दिया, प्लेट का नाश्ता, रिश्ता, ठीक है। आजकल गंगा जी के डॉल्फिन का शिकार हो रहा है ना, और उसको पकड़ लेते हैं, मछली को पकड़ के उसको क्या बना देते हैं, प्लेट का नाश्ता, मछली को पकड़ के क्या बना देते हैं, प्लेट का नाश्ता, गंगा जी वाले डॉल्फिन का क्या हो जाएगा, प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है ना, याद हो जाएगा। नहीं यार, मछली है डॉल्फिन, अच्छा उसे प्लेट का नाश्ता बना देते हैं, ठीक है, वहीं से आप लोग तुरंत इसको याद कर लोगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28, गन्ना, गन्ना माने सुगर केन, गन्ना माने सुगर केन, सुगर केन, सुगर केन का हो जाएगा सैकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, सैकेरम एस ए डबल सी एच ए आर यू एम, सैकेरम ऑफिसिनेरम, देखो कैसे याद करोगे इसको, रम, गन्ना का जो रस होता है, गन्ने का जो रस होता है उसका फर्मेंटेशन करके, गन्ने का जो रस होता है उसका फर्मेंटेशन करके क्या बना दिया जाता है, रम बनेगी, एक एल्कोहल आती है ना रम, ऑफिशियल रम, याद है ना, ऑफिशियल चॉइस करके एक एल्कोहल की बोतल का नाम होता है रम, तो वहीं से याद कर लेना, दोनों में क्या है, ऑफिसर्स रम, ऑफिसिने रम, सेके रम, सच्ची रम, ऐसे भी याद कर सकते हो कि गन्ने से जो रम बनाई जाती है वो कैसी होती है, सच्ची होती है रम, वहां से याद कर लोगे, सो गन्ने के रस से देसी रम बनाई जाती है, गन्ने के रस से क्या बनाई जाती है, देसी रम, सच्ची रम, देसी ओरिजिनल, और ऑफिसिने रम, ऑफिशियल रम, वो किससे बनती है, गन्ने के रस से बनती है, वहां से आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा बोले रम, रम बोले रम तो बेटा गन्ने के रस से बनती है, आपने उसमें देखी होगी ये कि जो पंजाबी गाने होंगे ना बहुत सारे, तो पंजाबी गाने गन्ने के खेत में वो लेके व्हाइट व्हाइट से लेके बैठे रहते हैं, तो वो दिखाना यही चाहते हैं कि गन्ने के रस से उन्होंने देसी रम बनाई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, 29, भैंस, भैंस, और भैंस ये मैं कॉमन वाली भैंस बता रहा हूँ, बफेलो, हमारी जैसे सुंदरी है इस टाइप की भैंस, ठीक है, बफेलो, तो इसका क्या होता है, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, ब्यूबा लस ब्यूबे लिस, तो दोनों में बुआ, वहीं से क्या नाम याद कर लोगे, ब्यूबेलस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 30, गौरैया, 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 ठीक है, हाउस स्पैरो, नेक्स्ट क्या जाएगा, गौरैया, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, तो इसका हो जाएगा पासर, पासर डोमेस्टिकस, पासर डोमेस्टिकस, जो गौरैया होती है वो हमारे घर के पास से पास करती है ना, सुबह सुबह घर के पास आकर च्यों च्यों करती रहती है, गौरैया होती है ना जो हमारे घर के पास आके क्या करती रहती है, कौशल तुम क्या जिंदगी में क्वालिटी ढूंढ रहे हो बेटा, कम से कम अपनी जिंदगी की क्वालिटी ठीक कर लो। पासर डोमेस्टिकस, हमारे घर के पास आके चिड़िया चहे चहे करती है, चीची करती है, और कौवा, कौवा, ठीक है, क्रो, क्रो, क्रो कौ लिख लीजिए, कॉर्वस स्प्लेंडेनस, कॉर्वस स्प्लेंडेनस, ठीक है, कॉर्वस,
कौवा देखो कौर, ये इसको अगर पढ़ोगे कौरवस, तो काऊ काऊ किसी कौरवस मतलब दिमाग में कौ कौ कौरव, यहां से क्या याद रखोगे कौरव कौरव, और कौरव कैसे थे कौवे थे, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, तो वहां से आप क्या करोगे कौरवस कौरव। और स्प्लेंडेंस, तो स्प्लेंडर के ऊपर जो आपके घर की मोटरसाइकिल होती है उसके ऊपर कौवा क्या कर जाता है बीट कर जाता है ना, वहां से आप याद इसको थोड़ा बहुत कर लोगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से 35 थी, इनको मैं और 40-50 करके इसको उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, जो आपने याद किया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनमें से जितने भी आपने याद किए कि थोड़ा सा आपको याद है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद है या नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है डॉग, डॉग का साइंटिफिक नेम कुत्ते का, फटाफट बताते रहो क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मटर, मटर माने पी, पी का क्या होगा, इसके ऑप्शन भी देने पड़ेंगे आपको। कोई बात नहीं बेटा, इनको बोलने दो, ये लोग नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि संसार में क्या क्या चल रहा है। चौथा सेम, एप्पल, पांचवा खीरा, कुकुम्बर, बताइए बच्चे इनका। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए, डॉग का, मटर का, धान का, सेब का, बहुत अच्छे, सही है। तो देखो जिस चीज का आता है उसका लिखते रहो, कैनिस, कैन में खाना खाता था कुत्ता, हमारी फैमिली का पार्ट होता है ना कैनिस फैमिलियरिस। पाइजम सटाइवम, पी पाइजम पाई सटाई, हमारा सलाइवा मटर प्लाव देके कहां जाता है बाहर आ जाता है भाई, हमारा जो सलाइवा होता है राल होती है वो मटर प्लाव देके बाहर आ जाती है ना, पाइजम सटाइवम। धान ओराइजा सटाइवा, ठीक है ओराइजा सटाइवा, तो इसमें वही होता है कि हमारा जो सलाइवा होता है वो धान, देखो वहां से याद कर लोगे पाइजम सटाइवम और ओराइजा राइसा राइसा, कुछ इसको ऐसे बोलेंगे ना राइसा, राइजा राई की ब्रांड, राइजा या राइस नाम के चावल की ब्रांड भी होती है, और सलाइवा मटर प्लाव, जो प्लाव होता है वो धान राइस चावल का बनता है। एप्पल का हो जाएगा आपका पाइरस मेलस, पाइरस मेलस, तो मेला हो जाता है ना, रस होता है इसमें इसलिए मेला हो जाता है। और खीरा क्यूक्यूमिस सटाइविस, क्यूक्यूमिस सटाइविस, तो वहां से आपको ये भी याद हो जाएगा, पाइरस मेलस खीरा क्यूक्यूमिस सटाइविस, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। आपके सामने वहां पे ऑप्शंस रहेंगे, आपके सामने वहां पे क्या रहेंगे ऑप्शंस, तो ऑप्शन से आप ये रस मेला, अच्छा कुकुम्बर होता है, सटाइवस होता है, सलाइवा मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में, स्वाद होता है, कैनिस कैन में खाना खाता है फैमिली के साथ, फूड की कैन, पाइजम सटाइवम, इन सब को आप बहुत आराम से बता दोगे, आप देख लेना बहुत आराम से बता दोगे देखा उसमें जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे, नहीं तो देख लो मैं आप एक दो के ऑप्शन देके देखता हूँ तुरंत ना तुरंत सारे लोग बता दोगे जिसको याद नहीं भी होगा। जैसे मैंने दिया कि मक्खी, मक्खी माने हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का मैंने कहा इनमें से कौन सा होगा, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया ए मैंगी मैंजी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका, अब आप बताते रहोगे। बी मैंने दिया मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, सी मैंने दिया आपको बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, और चौथा मैंने दिया आपको फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। शायद अब आप बताओगे कि भैया मक्खी मक्खी मक्खी, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि मक्खी माने मक्खन, मक्खी से क्या लगो, मक्खी मक्खन पे आती है ना भाई, मक्खन जो होता है उस पे मक्खी आती है, आपको वहीं से सोचने वाली बात है कि इसमें से किसमें मक्खी की बात आएगी। तो देखो मांगी फेरा, मांगे इंडिया, मांगे फेरी वाले, भाई फेरी वाले लगा के ना मैंगी,
तो यहां से तो आ जाएगा मैंगो कि भाई ये तो हो गया मैंगो का, आम का। बोले अच्छा बोस, आजकल इंडिया की बॉस हमारी माता काओ फैला देती है घरों में। घरों में यार कौन फैला देता है? तो घरों में दूध फैला देती है कैट, बिल्ली। तो देखो मक्खी मस्का, मक्खन मत लगाओ मुझे, मस्का मत लगाओ, तो मैं से मक्खन घरों में मक्खन। तो आपकी मक्खी क्या हो जाएगी? मस्का डोमेस्टिका। तो इस तरीके से आप वहां पे तुरंत दिमाग लगा दोगे, तुम तुरंत आप वहां पे दिमाग लगा दोगे इस तरीके से कि मस्का माने मक्खन, मैं से मक्खी, मैं से मक्खन, और घरों में रहती है डोमेस्टिका। इस तरीके से छोटे छोटे दिमाग लगा के आप तुरंत बता दोगे। ये होता है थोड़ा सा जब आप याद करके कुछ करते हो, ठीक है ना? नहीं भी आपको दिख रहा था, कम से कम आवाज तो आ रही थी। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके, ऑप्शंस के साथ ये बहुत इजी रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरी क्लास देखा कीजिए। आपको थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन संघर्षों के बाद ही, अरे एक ही आपने देखा होगा कि एक आज एक बच्चे ने वीडियो भेजी थी, उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि एक ही माइन से निकलते हैं दो पत्थर, दो पत्थर एक ही खदान से निकलते हैं, दोनों को काटा जाता है, दोनों को पीटा जाता है, एक टूट टूट के मार्बल के टुकड़े बन जाता है जिसको लोग जमीन में लगाते हैं, और एक चोट खा खा के टूट टूट कर अपने ऊपर दुनिया भर के हथौड़े की आवाज से एक मंदिर की मूर्ति बन जाता है जिसके आगे हम सब सर झुकाते हैं। तो दोनों में अंतर सिर्फ एक था कि एक बर्दाश्त करता है, याद रखना एक बर्दाश्त करता है, और एक बर्दाश्त नहीं कर पाता, टूट जाता है। तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो, तब जाके कुछ जीवन में मिलेगा। याद रखना इस चीज को, दोनों सेम होते हैं, हजारों साल में वो सेम पत्थर की जो प्रोसेस होती है उसी से बनते हैं, दोनों लेके आ जाते हैं, लेकिन एक पत्थर खाके सीखता है, समझता है, अपने आप को झेलता है मंदिर की मूर्ति, और एक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है जिसको हम अगर 4x4 का टुकड़ा है काट काट के 2x2 का और भी काट काट के 1x1 का बना देते हैं। तो अच्छे से कुछ जबरदस्त बनना सीखो, ठीक है? ये सब छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं जीवन में, ऐसा कभी नहीं है कि आपके सामने दिक्कतें नहीं आई होंगी, और हर एक अच्छी चीज में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि अच्छी चीज ही दिक्कत से शुरू होती है, लेकिन एक वो एक बार में मतलब निकल जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, इसको लिख लो कहीं पे अपने पे। नेक्स्ट आ जाएगा सातवां, फिर आप बताओगे वीट का, बताओगे वीट गेहूं, गेहूं का बताओगे एक ट्रिटिकम एस्टाइवम, बी साइसर अराइटिनम अराइटिनम, ठीक है, सी होता है साइट्रस लिमोनिया, साइट्रस लिमोनिया, और डी होता है आपका कोकोस न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। अब इसका बताओ गेहूं का क्या होगा? तो देखो जब हमारे 1965-66 में हमारे भारत में गेहूं की कमी पड़ गई थी, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, ये जमाना है हमारे यहाँ पे कमी पड़ गई थी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तो हमने किसके साथ ट्रीटी की थी? ट्रीटी माने हमने समझौता किया था अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे गेहूं आ गया, वहां से यूएसए ने हमें क्या भेज दिया? वीट, गेहूं भेज दिया, तो हमारी ऐश हो गई। इसका आंसर क्या हो गया? ए वाला, साइसर सौंस के साथ खाते हैं, सौंस के साथ खाते हैं, नंबर नंबर में बहुत ज्यादा होता है, सौंस के साथ खाते हैं, नंबर में बहुत ज्यादा होता है चना, क्या होता है चना सौंस के साथ, साइसर और नंबरों में छोटे छोटे चने होते हैं ना बहुत सारे होते। कोको से क्या पढ़ा था हमने? कोकोनट, तुरंत याद हो गया कोकोस, ठीक है ना? इस समय इतनी जनता चिड़ी हुई है ना कि इनको लगता है पता नहीं है हो क्या रहा है, इतने बच्चे इतने होने के बावजूद भी वो लोग रुके रहते हैं, इसलिए गाली देने वाले भी खूब आते हैं क्योंकि इनको आग लग रही है ना अंदर से, बोले यार ये हो क्या रहा है, क्यों इतने बच्चे इस बंदे से इतना प्यार करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग आ जाते हैं, तो उनको इसलिए वो थोड़े से परेशान ज्यादा हो रहे हैं। पर इस तरह से अब देखो आपको याद हो गया ना, 35 में से 30 तो आपको याद हो गए होंगे आराम से, है ना? कोई बेकार तो नहीं रही क्लास, थोड़ी सी परेशान हुई लेकिन कुछ तो याद हुआ आपको। चलिए अब मैं सबको अपने टेलीग्राम चैनल का जो अपने टेलीग्राम नाम की ऐप होती है
उस ऐप पर जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा क्रांति लाने के लिए आपको अपना योगदान देना पड़ेगा, आपको सब चीजें पता चलती रहे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया। टेलीग्राम नाम की एक ऐप होती है उस पर परीक्षा गढ़ सर्च करोगे PARIKSHA GARH तो ऐसे आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आप उसको करना जिसमें 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। ये ओरिजिनल है बच्चा, ये ओरिजिनल चैनल है, बाकी सब नकली है और इस पे मेरा फोटो नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है याद रखना, ये सिर्फ नाम लिखा हुआ है इस पे, फोटो नहीं है, ठीक है बच्चा। तो मैं यहाँ सब यहाँ में ये सारा का सारा जो PDF बना के अभी मैं इसको डाल दे रहा हूँ। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है बाबू कि बहुत सारे आपके सेल वाले और कल वाले टॉपिक के क्वेश्चन क्या है कि मैं बहुत ज्यादा थक जा रहा हूँ, मैंने आज मेरी दौड़ भी अच्छी नहीं हुई, हाफ ही हो पाई, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है तो मैं इसलिए थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान रह रहा हूँ, बार बार इधर उधर भी जाना पड़ रहा है, खेत वेत पे भी काम कराना पड़ रहा है, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस भी डाल दूंगा आज कल में, तो आप अच्छे से रहिएगा, कोई परेशानी नहीं है, पढ़िएगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा MCQ करिएगा, क्योंकि मैंने कह रखी है कि आप सब लोग MCQ अच्छे से ज्यादा सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई बुक ले लीजिए। तो क्लास अच्छी रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने शेयर लोगों तक पहुंचेगी। अब आती है UPP की बात, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद में UPP के कुछ जगह क्या हुआ है कि पेपर, जैसे सुबह में जो पेपर था 18 में, वही 18 की शाम में भी बट गया, 19 में भी कुछ जगह ऐसा हो गया है। डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, इस समय भिड़ना है। देखो याद रखना, जब हमारी बॉडी, जब हमारा मन जिस काम को करने के लिए ना कह रहा हो ना, उस समय उस काम को अपने अंदर से जोर लगा के करो। पढ़ने का मन नहीं है पढ़ो, दौड़ने का मन नहीं हो रहा है रुकने का मन कर रहा है दौड़ो, उस समय अंदर से थोड़ा और जोर लगाओ, उस समय जो थोड़ा सा हल्का सा पुश होता है ना वो आपको निकाल के ले जाता है। कोर्ट में अभी बात चल रही है, लोग डाल रहे हैं, तो कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कोर्ट कहेगी कि दोबारा भर्ती कराओ लीक हुआ है, हाँ लीकर लीक की मेरे पास भी एक दो वो है, मतलब ऑडियो है, जिनमें एक बच्चे के पास 1:45 पेपर आ गया था, तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आई है यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले पेपर में, तो इसकी अभी हम एक वीडियो लेके आएंगे कुछ देर बाद और देखते हैं कि क्या हो गया होगा, ठीक है, तो तब जाके कुछ ना कुछ इसका करेंगे, तो अपने को पुश किया करो। ओके, अभी अगर दोबारा होगा तो और अच्छे से देना, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका दिया है वो तो मतलब जिसका अच्छा हुआ है वो अच्छे से रहेगा, तो देखते हैं कि क्या हो जाता है। ओके ठीक है, फिर अच्छे से रहिएगा, अभी एक वीडियो लेके आएंगे यूपीपी के लिए, और जो भी अपनी बातें हैं वो जरूर मुझे अपने मैसेज करके बताइएगा, और बिल्कुल सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, जय हिंद। और जो मैंने कल एक वीडियो दी थी आपको क्रांति वाली, उसके बारे में भी आप सोचते रहिएगा, 10 दिन का समय है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।